श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। सेवा पूजा के प्रसंग में आज परिक्रमा पर ही आगे बढ़ रहे हैं। आज की परिक्रमा है बुधवार की। वैसे तो हर परिक्रमा में हम आपसे बताते आ रहे हैं कि परिक्रमा का भाव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सान्निध्य का अनुभव करना है। हम उनके आसपास से इधर उधर नहीं होंगे, उनसे दूरी बनाए हुए नहीं रह सकेंगे, उनके निकट होकर के ही रह सकेंगे, ये हमारे अंदर आना चाहिए। तो ऐसा भाव हमारे अंदर आना चाहिए, इसके लिए ये सब किया गया है। तो इसलिए दोहरा रहे हैं कि जो लोग आज की ही परिक्रमा सुनेंगे तो उनको फिर कई बातें नहीं आएगी ना। तो ऐसे रविवार की परिक्रमा में विस्तृत रूप से समझाया है, तो अभी आपको थोड़ा सा ही बताएंगे कि हम कैसे भी हो, दुनिया में कुछ भी कार्य कर रहे हों, कहीं भी हों, किंतु हमारा ख्याल ये होना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में ही हैं, उनसे मैं दूर नहीं हूँ। बस इतना हमें समझना चाहिए। जैसा आप लोग अन्य परिक्रमाओं के विषय में सुन रहे हैं, तो पहले आप गायन सुन लीजिए। आप अपने घर में उस प्रकार से गाने का प्रयत्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उस प्रकार से आप गा सकेंगे। उसके पश्चात मैं आपको बुधवार की परिक्रमा का भाव क्या है वो समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो चलो अभी आप गायन सुन लीजिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, परम सुभग आनंद गुण गाए, परम सुभग आनंद गुण गाए, नवल किशोर निर की सुख पाए, धाम श्याम जिया मंगलकारी, धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्याम जी दुलहिन पिया प्यारी, कुंजनी कुंज मध्य क्रीड़त को है, कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त को है, ललित मनोहर सुंदर सो करत के जमुना तट ने रे, करत के न जमुना तट ने रे, परम विचित्र जियावर मेरे, निज है स्वरूप रूप पियाराजे, निज है स्वरूप रूप
मैया राजे महामती मदन कोटि छवि लाजे निज है स्वरूप रूप पिया राजे निज है स्वरूप रूप पिया राजे महामती मदन कोटि छवि लाजे महामती मदन कोटि छवि लाजे कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म प्राण सुंदर शाह जी, आपने अभी बुधवार की परिक्रमा का गायन सुना। इसमें जो भी पद है ना, तो बड़े मार्मिक और बड़े सरल हैं। परम सुभग आनंद गुण गाइए, नवल किशोर निरखिस सुख पाइए। परम ये तो अति उत्कृष्ट इस अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द है, आपको पता भी है। सुभग बोलते हैं सुंदर, सुभग सुभगा सुभगे, जैसे कोई महिला होगी तो उसका पति यदि उसको बोलता है तो सुभगे ऐसा करके संबोधन में होता है, ऐसा बोलता है। यदि पत्नी पति को बोलती है तो सुभग बोलती है। ऐसे एक प्रेमी आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो सबके पति है, तो पति के भी पति है, परम पति है। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को संबोधित करना हो तो उनके लिए परम सुभग ऐसा है। परम सुभग आनंद गुण गाइए, बड़े आनंद में रह करके उनके गुणों का गायन करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम सुभग है तो हम उनके गुणों का गायन करते और आनंदित होते। नवल किशोर निरखि सुख पाइए, नवल युगल ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। युगल किशोर कहेंगे तो भी चलता है, नवल किशोर कहेंगे तो भी चलता है। नवल किशोर का तात्पर्य क्या है कि जैसे लौकिक दृष्टि से देखना हो तो कोई नूतन कपल हो, नया कपल, न्यू कपल हो, तो उनको एक दूसरे के प्रति आकर्षण ज़्यादा रहता है, भाव ज़्यादा रहता है। तो आजकल तो शादी होने से पहले भाव होता है, शादी होने के बाद में फिर धीरे 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 भाव घटता जाता है। किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति कभी घटने वाला नहीं होता है, सदैव वो नित्य नूतन होता है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए नवल किशोर ये शब्द प्रयोग होता है। वो नित्य किशोर है, वो युगल है। राजी और श्यामा जी, श्री राजे जी, श्री श्यामा जी, किंतु उनका जो संबंध है नित्य नूतन होता है। तो ऐसे नित्य नूतन संबंध को हम देख करके हम भी उसी प्रकार का अनुभव करें। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देख करके श्री श्यामा जी के साथ में निरखी सुख पाइए, उनको देख करके हम आनंदित हो जाएं। तो ब्रह्मात्माओं का तो स्वभाव ही ऐसा है। श्री श्यामा जी अक्षरातीत धामधनी के साथ में आनंद का अनुभव करती है तो सारी ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी को जो आनंद मिलता है उसी प्रकार के आनंद का अनुभव कर सकती है। तो ये परमधाम में संभव है, दुनिया में ऐसा संभव नहीं है। हाँ, दुनिया में इतना संभव है कि जैसे स्वाद लेने का काम जीव करती है, तो इस शरीर को देखें ना, तो स्वाद लेने का काम जीव करती है। जीव ने अच्छा स्वाद ले लिया
तो पूरा शरीर रोमांचित होता है, पूरा शरीर उसके रोम रोम पुलकित होते हैं। स्वाद जीव ने लिया किंतु आनंद सब ने अनुभव किया, सब लोग आनंदित होते हैं। इसका कारण यह है कि शरीर एक ही है ना, स्वाद लेने का काम जीव करता है किंतु रोम रोम आनंद का अनुभव कर सकती है। इसी प्रकार सभी ब्रह्मात्माओं के मूल रूप में श्री श्यामा जी, श्यामा जी समष्टि स्वरूप है, उनकी अंगनाएं कहिए, उनके अंग स्वरूप है वो ब्रह्मात्मा है। तो श्यामा जी आनंद का अनुभव करती है तो सब ब्रह्मात्माएं स्वाभाविक रूप से आनंद का अनुभव करती है। इसलिए कहा कि नवल किशोर युगल किशोर श्री श्यामा जी श्री राज्य के साथ में विराजमान हैं, तो ऐसे युगल किशोर को नवल किशोर उनके दर्शन करके हम सब सुखी हों, सब लोग सुखी बन जाएं, इसके हिसाब से समझा रहे हैं। धाम श्याम जी अमंगलकारी, संग श्यामा जी दुलही न पिया प्यारी। धाम श्याम का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परमधाम के स्वामी श्याम श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये कैसे हैं जिया? तो जिया का तात्पर्य होता है कि हमारे जीव, हमारे प्रिय, तो इस अर्थ में भी होता है। तो ये मंगलकारी अपार मंगल लेकर के विराजमान हैं, वो सदैव सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। इसलिए उनको सबके तारणहार सब प्रकार से समझाया गया है। तो इस प्रकार तो कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं, और वे सबको मंगल प्रदान करने वाले हैं। मंगल प्रदान करते हैं तो अमंगल को दूर कर देते हैं। संग श्यामा जी दुलहिन पिया प्यारी, और श्यामा जी के साथ में श्यामा जी दुलहिन प्यारी, पिया प्यारी, प्यारी पिया की प्यारी दुलहिन श्री श्यामा जी के साथ परमधाम में, हाँ दूसरे शब्दों में कहें तो ये ठीक ज़्यादा ठीक रहेगा कि दुलहिनी श्री श्यामा जी परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में विराजमान हैं, बस ये समझना होता है। तो वो अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ श्री श्यामा जी विराजमान हैं तो उनको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। वही अनुभव ब्रह्मात्माएं उनको देख करके करती है। इसलिए ब्रह्मात्माओं को जो सुख अनुभव होता है कि वो श्यामा जी के अंग होने के नाते, जैसे किसी भी भोजन का स्वाद जीव ने लिया किंतु प्रसन्नता सबको होती है, इसी प्रकार एक अंग होने से श्री श्यामा जी आनंद का अनुभव करती है। अक्षराती धामधनी के साथ विराजमान होती है, बाकी सारे ब्रह्मात्मा ये अपार सुख का अनुभव करती ही है। कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त को है, ललित मनोहर सुंदर सोहे। कुंज और निकुंज वन, जैसे खेलने के लिए वनों में जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वन हैं तो उनकी अलग अलग विशेषताएं। कुंज निकुंज वन तो ये खेलने के लिए बड़ा सुंदर है। तो कुंज और निकुंज आपको पता होगा, ये लता मंडपों का वन है, यहाँ पर लता मंडप है।
तो जो लता मंडप गोल हैं तो उनको निकुंज कहते हैं, और जो चौरस हैं तो उनको कुंज कहते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में कुंज वन का वर्णन आया है, तो निकुंज साथ में ही है, तो जैसे चौरस हैं तो ऐसे गोल भी है। रंग भवन के अंदर भी देख लीजिए, हवेलियाँ चौरस है तो फिर गोल भी है, तो इसी प्रकार से कुंज निकुंज वन में भी तो कुंज भी है और निकुंज भी है। तो वहाँ पर सांप क्रीड़ा करते हैं, वो क्रीड़ा के लिए बहुत सुंदर भूमि है, जैसे पश्चिम का चौगान है, तो वहाँ सबको परेड करवाना हो सब पशु पक्षियों को, तो खाली जगह है तो बड़ा सुंदर है सबके लिए। तो इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्र है, सबकी विशेषताएं भिन्न भिन्न है, तो यहाँ क्रीड़ा के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इसलिए कहते हैं कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त कोहे ललित मनोहर सुंदर स्वर। ललित मनोहर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ललित मनोहर ऐसा कहा है, वो ललित है, बड़े सुंदर मनोहर है, मन को हरण करने वाले, तो ऐसे ललित है। ललित कहने का कई अर्थ होता है, तो जैसे ललित कला कहते हैं तो ये सॉफ्ट अर्थ में भी ललित होता है, कोमल अर्थ में ललित होता है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो उनकी वाणी तो उनमें बड़ी मिठास है, बड़ी मधुरता है, हर प्रकार से बड़े सुंदर और सुहावने, इसलिए ललित मनोहर सुंदर सोहे ऐसा कहा, वो ललित है मनोहर। तो इस हिसाब से ये समझना चाहिए और ऐसे निकटता का अनुभव करना चाहिए। कह रहे हैं करत केल यमुना तट नेरे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आते हैं तो यमुना तट के निकट क्रीड़ा करते हैं, कभी पाट के घाट में जाते हैं तो वो भी तट ही हुआ, यमुना जी का तो एक तट है तो पाट का घाट कह दिया। कभी कुंज निकुंज होता है, कभी कोई भी हो, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण। तो यमुना जी के तट में वो क्रीड़ा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ है, तो ऐसे सुंदर स्वरूप को दुनिया में हम कहीं देखना चाहें तो संभव नहीं है, तो ऐसे सुंदर स्वरूप का हमें दर्शन करना है। परम विचित्र उपले ही विचित्र हैं, जियावर मेरे मेरे प्राणों के स्वामी हैं, निजा है स्वरूप रूप पियाराज। तो निजा है स्वरूप, उनका जो अपना स्वरूप है तो कैसा है, रूप पियाराज, तो वो तो रूप का लावण्य है, तो ऐसा रूप का अंबार है। इस तरह से ना अलग 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 प्रकार की बात करते हैं, तो शब्दों का प्रयोग कुछ भी करें किंतु उनका स्वरूप है बड़ा सुंदर है। ऐसे सुंदर स्वरूप को लेकर के हमें अपने कार्य करने होते हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप को हृदय में बैठाना होता है। महामति मदन कोटि छविलाज, तो अक्षराते दामदने का स्वरूप है, इतना सुंदर है, उसकी ही बात आगे के इस चरण में समझाया है कि महामति तो क्या समझते हैं, मदन कोटि छवि लाज, महामति को तो ये ख्याल है करोड़ों मदन की छवि को भी लज्जित करने वाला सुंदर स्वरूप है अक्षरातीत का। जैसे सुंदर पुरुष में मदन को लेते हैं, मदन का अर्थ होता है कामदेव, तो कामदेव की छवि सुंदर छवि मानी जाती है,
कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो तो करोड़ों कामदेव की सुंदर छवि को भी लज्जित करने वाले ऐसे दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को हमें अपने हृदय में बैठाना चाहिए। ऐसे सुंदर स्वरूप हमारे साथ साथ चल रहे हैं, इस प्रकार का भाव रखना चाहिए, तभी हमारी परिक्रमा सार्थक मानी जाएगी। अन्यथा हम परिक्रमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु जो लाभ हमें प्राप्त करना होता है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो आपने बुधवार की परिक्रमा सुनी, तो इसका भाव, ये तो जितना मनन करेंगे उतने ज़्यादा भाव का अनुभव होगा, तो आप मनन अवश्य करें। तो ये शब्द बड़े सरल हैं, इसलिए ज़्यादा व्याख्या करने की बात नहीं की, किंतु हमें लगता है कि हर सुंदर साथ परिक्रमा के भाव को समझें, परिक्रमा को कैसे गाया जाता है वो भी समझें, और कैसे गाया जाता है वो प्रैक्टिस करें, तो इसके हिसाब से तो हर कोई परिक्रमा को पूरी तरह से समझ सकता है, परिक्रमा के भाव को भी समझें। तो आप सबको इन्हीं आग्रहों के साथ में मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रणाम।